हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? सभी को नमस्कार, राम राम और बहुत सारा प्यार। मैं प्रिया चौधरी आपका स्वागत करती हूँ वाईफाई स्टडी स्टूडियोज में। तो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? मेरे हिसाब से बड़े होंगे, चुस्त होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं बता दूं कि 5000 एमसीक्यू की सीरीज हम लोग कर रहे थे और उसी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। रोज आपको दोपहर के 3:30 बजे मिलते हैं एमसीक्यू साइंस के, बहुत ही मजेदार। अगर आप यूज करते हो कोड PRIA08 तो आपको मिलता है 10% डिस्काउंट। ठीक है, आप मेरे साथ रेलवे का साइंस क्रैक कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे आ सकते हैं, दोपहर के 2 बजे आपका फिजिक्स चल रहा है और शाम के 6 बजे आपका बायो चल रहा है। तो आप क्रैक कर सकते हो अपना फिजिक्स और बायो मेरे साथ दोपहर के 2 बजे और शाम के 6 बजे बायो पे। स्पेशल फ्री क्लासेस रेलवे अनअकैडमी पे सुबह 9 बजे रेलवे की क्लासेस होती है और दोपहर के 2 बजे SSC की हो गई है। कहते मैडम ये तो 12 बजे थी, जब हमारा 12 बजे वाला यूट्यूब 2 बजे हो गया था तो हमें अपना अनअकैडमी का जो शेड्यूल है वो शिफ्ट करना पड़ा था। अब ये दोपहर के 2 बजे हो गया और यूट्यूब पे वो दोपहर के 12 बजे हो गया। तो दोपहर के 12 बजे, 2 बजे लिख दिया मैंने, दोपहर के 12 बजे और शाम के 6 बजे, दोपहर के 12 बजे और शाम के 6 बजे, ये हमारा टाइम शिफ्ट हो गया था जो कि वापस आ गया है। और अनअकैडमी पे आप अगर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं किसी भी कोर्स में, कुछ भी PCS IAS CPMT अपने बहन भाई को दिलाना चाहते हैं, 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक का फुल कोर्स मिलता है साइंस वगैरह का, तो आप PRIA08 कोड यूज कर सकते हैं, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। जुड़िए मेरे साथ और ज्वाइन कीजिए SSC का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स और आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अब अनअकैडमी पे 2 बजे होने लग गई, पहले 12 बजे होती थी और यूट्यूब का शेड्यूल जो चेंज हुआ है उसकी वजह से। बच्चों कल के लिए सॉरी, कल जो था वो नेटवर्क इशू की वजह से अपने आप ही क्लास बंद हो गई थी, हम लोग ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाए थे। तो कल वाली ही PDF मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ। हम लोगों ने जो मशीनों द्वारा वर्क होता है, मसल्स द्वारा वर्क होता है, वो हम लोगों ने कर लिया था। हमने बॉल का क्वेश्चन कर लिया था, हमने ग्रेविटेशन का क्वेश्चन कल कर लिया था, हमने फेरेड का क्वेश्चन कल नहीं किया था। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन है फेरेड इज द यूनिट ऑफ, फेरेड किसकी इकाई होती है। आज चौथा क्वेश्चन इसलिए करवा रही हूं कि कल हमारा यहां तक क्वेश्चन हुआ था, मतलब ये क्वेश्चन था और जो वीडियो थी वो रुक गई थी। फेरेड किसकी इकाई है? कैपेसिटेंस की, रिएक्टेंस की, इलेक्ट्रिक चार्ज की, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की। जितना हो सके उतना ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। फेरेड किसकी इकाई है, जल्दी से बताइए। फेरेड किसकी इकाई है बच्चों? कैपेसिटेंस की फेरेड इकाई है। कैपेसिटेंस की जो इकाई होती है वो फेरेड होती है। कैपेसिटेंस में अलग अलग 2 प्लेट्स होती है, वहां पे चार्ज को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, सापेक्ष घनत्व की इकाई कितनी होती है। सापेक्ष घनत्व की इकाई कितनी होती है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, सापेक्ष घनत्व की इकाई क्या होती है, जैसे बताइए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मैं नाम लूंगी जिन बच्चों ने आंसर इसका राइट बताया होगा। सापेक्ष घनत्व की इकाई क्या होती है? कमेंट्स उठ गए भाई, कमेंट्स उठ गए, कमेंट्स। निरंजन ने सबसे पहले आंसर दिया था। निरंजन ने सबसे पहले आंसर दिया, सुप्रीत ने दिया आंसर मुझे। बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है 9 यूनिट। क्यों? क्योंकि डेंसिटी अपॉन डेंसिटी होती है, ठीक है, इसलिए 9 यूनिट। घनत्व बटा घनत्व होता है, इसीलिए 9 यूनिट कोई इकाई नहीं, कोई इकाई नहीं। वैसे तो घनत्व की यूनिट होती है, अगर घनत्व की बात करो तो यूनिट होती है kg m³। क्यों? क्योंकि घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान मास बटा वॉल्यूम, तो इसकी यूनिट होती है kg m³। लेकिन अगर रिलेटिव डेंसिटी की बात करोगे तो रिलेटिव डेंसिटी की कोई इकाई नहीं होती, सापेक्ष घनत्व की कोई इकाई नहीं होती, क्योंकि डेंसिटी बटा डेंसिटी होती है। स्पेसिफिक डेंसिटी नॉर्मल डेंसिटी के कॉन्सेप्ट के साथ में होती है, डेंसिटी बटा डेंसिटी होती है, इसलिए कोई इकाई नहीं होती। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, निम्नलिखित में से कौन सी इसमें से वेक्टर क्वांटिटी है, निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, तो जल्दी से बताइए कौन सी इसमें से वेक्टर क्वांटिटी है। बच्चों वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें दिशा भी बताई जा सकती है, साथ में ये भी नापा जा सकता हो कि कोई चीज कितनी है, कितनी चली, उसको माप सकते हो, साथ में उसकी दिशा भी बता सकते हो।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर। तो जितना हो सके जल्दी जल्दी शेयर कीजिए, फटाफट से। हाँ, इसकी पीडीएफ आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगी। कल मैंने पीडीएफ इसलिए दी थी कि 3 क्वेश्चन हुए थे, इसकी पीडीएफ देके क्या करती, आज इसको पूरा करवा रही हूँ मैं। बच्चों, इसका जो राइट आंसर है वो है एंगुलर मोमेंटम। कोणीय गति जो होती है वो एक सदिश राशि होती है, ठीक है। कोणीय गति जो होती है एक सदिश राशि होती है। कोणीय गति गोल घूमती है, और देखिए मतलब किस डायरेक्शन में कोई भी चीज घूम रही है ये बताती है, किस दिशा में घूम रही है, एंगुलर वेलोसिटी। हु इन्वेंटेड इंडक्शन कॉइल, इंडक्शन कॉइल किसके द्वारा आविष्कार किया गया था, इंडक्शन कॉइल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। मैं बिल्कुल बढ़िया हूं। इंडक्शन कॉइल का किसके द्वारा आविष्कार किया गया था, जल्दी से बताइए। जॉन बार्बर। बच्चों, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका निकोलस केलन। निकोलस केलन ने इंडक्शन कॉइल का, ये है इंडक्शन कॉइल, इंडक्शन कॉइल का आविष्कार किया था निकोलस केलन। अगला, द एसआई यूनिट ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन की एसआई इकाई क्या होती है, किलोग्राम, स्क्वायर मीटर, मीटर या क्यूबिक मीटर पर सेकंड या रेडियन। जल्दी से बताइए कि रेडियस ऑफ जायरेशन की क्या इकाई होती है, क्या एसआई यूनिट होती है। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बच्चों, इसका जो राइट आंसर है वो मीटर है। रेडियस ऑफ जायरेशन की इकाई जो होती है बच्चों वो मीटर होती है। चलिए अब आगे, बच्चों क्वेश्चन आप लोगों के सामने। अ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर विथ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर हैज एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द नेचर ऑफ द पोजिशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय इट। बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर में उत्तल दर्पण में जो फोकस होती है वो 30 सेंटीमीटर होती है, और जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर है। आपको वी फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला जो लगेगा वो लगेगा 1/f = 1/v + 1/u। लेकिन कहते मैडम आपने फॉर्मूला भी बता दिया, आपने आंसर भी बता दिया, फिर आप हमें निकालने के लिए क्यों दे रहे हैं। मैं आप लोगों को इसको निकालने के लिए इसलिए दे रही हूं क्योंकि जब तक आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि एफ माइनस होगा या नहीं, U माइनस होगा नहीं, V माइनस होगा या नहीं, आप आंसर नहीं निकाल सकते। बहुत सारे बच्चों ने 10 आंसर दिया। बच्चों, इसका राइट आंसर बिल्कुल 10 ही है, बिल्कुल सही आंसर। इसका राइट आंसर 10 ही है, इसका राइट आंसर 10 है। और इसका राइट आंसर 10 कैसे है तो मैं आप लोगों को निकाल के बताती हूँ। क्लियर, देखो ध्यान से बच्चों, अगर यहां पे कॉन्वेक्स की बात करें, कॉन्वेक्स दर्पण की बात करें, पहली बात तो सारा इंक इरेज कर देती हूं, ठीक है बच्चों। जो अगर हम लोग कॉन्वेक्स की बात करें, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, उत्तल दर्पण की बात करें हम लोग, तो आपका जो एफ होता है फोकस वो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो एफ इज इक्वल टू प्लस का 30 सेंटीमीटर। लेकिन जब भी कोई ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस की बात करता है, कोई भी वस्तु की दूरी की बात करता है, तो वस्तु की दूरी u जो होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है, तो u जो होगी वो। और दूसरी बात है कि ऑब्जेक्ट जो है उसने बोला कि दर्पण के सामने है, तो बच्चे दर्पण के सामने है तो इधर के नेगेटिव x एक्सिस पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, ये जो हो जाएगा माइनस का 15, ठीक है। अब जब इसमें फॉर्मूला हम लगाएंगे अपने आप ही, ठीक है, 1/f = 1/v
प्लस वन अपॉन यू जब लगाएंगे तो वन अपॉन वी कितना हो जाएगा, वन अपॉन वी हो जाएगा, वन अपॉन एफ माइनस का वन अपॉन यू, ये हो जाएगा बच्चों 30, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस का 15, तो ये निकलेगा 1/30, ये निकलेगा 1/30 10 का 1/15, इसका आंसर 10 आ जाएगा बेटा। क्लियर है? तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ, द पावर ऑफ साइलेंट ऑप्शन कैसे रॉन्ग हो सकता है बेटा, मुझे बस इतना बता दो, ऑप्शन कैसे रॉन्ग हो सकता है। चलिए, विद द रेफरेंस ऑफ रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी व्हाट डज लिडार स्टैंड, लिडार का मतलब क्या होता है, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी के संदर्भ में लिडार का क्या मतलब है। अच्छा, अभी एक चीज और बोलना चाहती हूँ, जिस बच्चों को ये नहीं पता कि कब किसे माइनस रखना है कब किसे प्लस रखना है, तो मेरी मैंने लाइट चैप्टर पढ़ाया है और लाइट चैप्टर में मैंने साइन कन्वेंशन करवाए हैं, साइन कन्वेंशन करवाए हैं, पूरा एक चार्ट बनाया है, उस चार्ट को लिख लेना कि कब प्लस होता है और कब माइनस होता है, बताइए। विद द रेफरेंस ऑफ रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी व्हाट डज लिडार स्टैंड, बहुत सारे बच्चों ने बोला लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, बिल्कुल सही, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, लिडार का मतलब होता है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। बच्चों ये लिडार जो होता है ये 3D एक स्कैनिंग है जिससे ये पता लगता है कि कौन सी जगह क्या है, कहने का मतलब ये है जो आप मैप देखते हो ना कॉमनली यूज इन हाई रेजोल्यूशन मैप, बहुत ज्यादा हाई रेजोल्यूशन मैप्स में लिडार का इस्तेमाल होता है। यस, कॉनकेव की फोकस माइनस रहती है, अवतल दर्पण की फोकस माइनस रहती है, कॉन्वेक्स की प्लस रहती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डू नॉट हैव अ परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग गुणसूत्रों का सही जोड़ा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पुरुषों में, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं में, पुरुषों और महिलाओं में दोनों में, या फिर महिला और पुरुष दोनों में ही नहीं, क्रोमोसोम का सही जोड़ा किसमें नहीं होता है। यस नागेश, 10 बजे वाला प्लस रोज चल रहा है, आज भी मैंने पढ़ाया था, आज मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया है, पूरा रिप्रोडक्शन पूरा प्रजनन पढ़ाया है। अल्लू अर्जुन दिख रही है मैम, मैं नेगेटिव किया, ध्यान नहीं दिया, अच्छा नेगेटिव का ध्यान नहीं दिया, ए ए आंसर है बच्चों, ओनली इन मैन, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं ओनली इन मैन, बिल्कुल सही, क्योंकि जो मैन होता है वो XY होता है। ठीक है, अब इसको बता देते हैं, ओनली इन मैन, ओनली इन मैन में क्यों, ओनली इन मैन में क्यों, केवल पुरुष में, बच्चों केवल पुरुष में इसलिए क्योंकि पुरुष जो होता है वो होता है XY और महिला जो होती है XX। अब जोड़ा किस चीज को बोलते हैं, जोड़ा तो उस चीज को बोलते हैं ना जो दोनों चीजें एक जैसी हो, तो दोनों चीजें, दोनों क्रोमोसोम एक जैसे, दोनों गुणसूत्र एक जैसे किसके है, वुमेन के, अलग अलग किसके है, मेन के, तो मेल में अलग अलग होती है, और हम लोगों में जो टोटल क्रोमोसोम पाए जाते हैं बच्चों वो 23 होते हैं। ठीक है, और जोड़ों में, ठीक है, पेयर्स में 46। क्लियर है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, विच वैक्सीन कंपनी हैज डेवलप टाइबार टाइफाइड कॉन्जुकेट वैक्सीन दैट हैज रिसीव्ड प्री क्वालिफिकेशन फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO फॉर अ ग्लोबल यूज, किस वैक्सीन कंपनी को टाइप बार टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन विकसित की है जिसे वैश्विक उपयोग के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने पूर्ण योग्यता प्राप्त की। बच्चों कहने का मतलब ये है कि इसमें से ऐसी कौन सी संस्था है, इसमें से ऐसी कौन सी कंपनी है, ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने टाइफाइड की वैक्सीन बनाई जिसे WHO ने प्रमाणित करके पूरे जनजातियों के लिए लागू करने को बोल दिया है, जैसे कोरोना वायरस की कोई कर ले, पेनिशिया बायोटेक भारत बायोटेक, बायोकॉन भारत सीरम एंड वैक्सीन, बच्चों इसका जो राइट आंसर है भारत बायोटेक है। और आपको एक चीज बता दे कि
कि भारत बायोटेक ही कोरोना की कोरोना वैक्सीन भी भारत बायोटेक ही बना रहा है। अगर भारत के द्वारा कोई वैक्सीन आती है तो वो भारत बायोटेक ही बना रहा है। अल्लू अर्जुन, मैंने एक बार बोल दिया कि आपका मुझे कमेंट दिखाई दे रहा है, अगर आप तरीके के क्वेश्चन पूछोगे तभी तो मैं जवाब दूंगी। ठीक है, तो बच्चों कोरोना वैक्सीन जो है वो भारत बायोटेक, मेरे कमेंट दिख रहे हैं, मेरे कमेंट दिख रहे हैं, मतलब क्या दिख रहे हैं मेरे कमेंट? क्वेश्चन पूछना है क्वेश्चन पूछो ना, आजकल पता है यूट्यूब के फालतू की बकवास कुछ ज्यादा ही होने लग गई है, पढ़ना किसी को नहीं है। ठीक है बच्चों, भारत बायोटेक। गुस्सा आ जाता है यार, मतलब मेरे कमेंट दिख रहे हैं, जब से मैं देख रही हूँ मेरे कमेंट दिख रहे हैं, मेरे कमेंट दिख रहे हैं, तेरे कमेंट में नया क्या है भाई? एलापीडिया नाजा इज अ साइंटिफिक नेम है। एलापीडिया नाजा जो है बच्चों वो किसका वैज्ञानिक नाम है? जल्द से बताइए, एलापीडिया नाजा इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ, एलापीडिया नाजा किसका वैज्ञानिक नाम है? फीमेल और मेल में क्रोमोसोम 23 ही होते हैं, जो अलग अलग होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, ऑटोसोम सेम होते हैं, एलोसोम अलग होते हैं, और जो एलोसोम होते हैं वो एक में एक्स वाई होते हैं और एक में एक्स एक्स होते हैं। बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो कोबरा है, कोबरा इसका राइट आंसर है। बच्चों जो कोबरा होता है उसका वैज्ञानिक नाम जो होता है, कोबरा का वैज्ञानिक नाम मैंने आप लोगों को अभी बताया, एल्पीडिया नाजा, नाजा एल्पीडिया नाजा कोबरा का साइंटिफिक नेम है। किसका साइंटिफिक नेम है? कोबरा का। ठीक है, ईगल का साइंटिफिक नेम एक्विला होता है, एलिफेंट का साइंटिफिक नेम एलिफस होता है, और उल्लू का साइंटिफिक नेम होता है स्ट्रेगिफॉर्म। चार ऑप्शन दिए थे, चारों का मैंने बता दिया। ठीक है, कोबरा का आपको अभी बता दिया एल्पीडिया, ईगल का एक्विलिया, एलिफेंट का एलिफस, और आउल का स्ट्रेगिफॉर्म्स। चलो भैया आप सांप को ज्यादा नहीं देखते, बहुत देर हो गई। वुमेन हैज अ श्रिल वॉइस बिकॉज ऑफ, डैश की वजह से महिलाओं की आवाज पैनी होती है या तेज होती है? पैनी या तेज है, जल्दी से बताइए, लड़कियों की आवाज पैनी या तेज क्यों होती है? नाला स्नेक के लिए यूज होता है। अभी तो यही चल रहा है, टॉपिक वाइज क्लास पहले होती थी, अब उसकी जगह हम बायो पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने बोला उनकी श्रिल वॉइस होती है। नहीं बच्चों, क्योंकि महिलाओं की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, आवाज की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। फ्रीक्वेंसी हाई होने का एक कारण होता है जो महिलाओं का वोकल कोड होता है, वोकल कोड जो महिलाओं का ध्वनि यंत्र होता है, वोकल कोड होता है वो लगभग 12 mm से लेके 15 mm का होता है, और पुरुष का ये होता है फीमेल का। और किसी पुरुष का जो वोकल कोड होता है, किसी मेल का जो वोकल कोड होता है वो लगभग 20 mm होता है। ठीक है, तो महिलाओं का वोकल कोड ध्वनि यंत्र करीबन 5 mm छोटा होता है। ठीक है, इसीलिए महिलाओं के गले से जो आवाज निकलती है वो हाई फ्रिक्वेंसी की निकलती है। अब फिजिक्स तो क्या बोलता है बच्चों, यहां से सुनना, फिजिक्स क्या बोलता है? फिजिक्स ये बोलता है, ये फिजिक्स बोलता है कि इनकी फ्रिक्वेंसी हाई होती है। फिर एक बच्चे ने मुझसे पूछा मैडम क्यों होती है हाई, तो ऑब्वियसली बात है कोई फिजिक्स पढ़ा रहा है वो बोलेगा बेटा हाई होती है तो हाई होती है उनकी आवाज है। लेकिन मैं आप लोगों को बोलूंगी हाई इसलिए होती है, हाई इसलिए होती है क्योंकि उनका वोकल कोड, उनका वोकल कोड छोटा होता है पुरुषों के मुकाबले। क्लियर है? तो उनका वोकल कोड छोटा होता है पुरुषों के मुकाबले, तो हाई फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है, वोकल कोड छोटा है फीमेल का। नूर अली ने बिल्कुल सही बोला, लायरेक्स पिच फ्रीक्वेंसी लाउडनेस एम्पलीट्यूड है। मैम एस के मुन्नार बिल्कुल सही है। ठीक है, लड़कियों की पिच हाई होती है। यहाँ पे एक चीज और इंक्लूड कर सकती हूँ जो एस के मुन्नार ने मुझे बताई है। ठीक है, तुम्हारे कमेंट पढ़ रही हूँ मैं, देख नहीं रही हूँ, तुम्हारे कमेंट पढ़ रही हूँ। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब उनकी पिच ज्यादा होती है। लड़कों की आवाज मोटी इसलिए होती है क्योंकि उनके अंदर लाउडनेस ज्यादा होती है, एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है क्योंकि उनका वोकल ध्वनि यंत्र बड़ा होता है। ठीक है, कितनी फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं हम लोग राहुल? हम लोग जो फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं वो सुन सकते हैं हम लोग 20 हर्ट्ज से लेके 20
हजार हर्ट्ज तक, इससे ज्यादा हम लोग नहीं सुन सकते, इससे ज्यादा हम लोग सुन नहीं सकते। 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग सुन सकते हैं, ठीक है। चलिए, बायो जो होती है शाम के 6 बजे वाईफाई स्टडी भी होती है। आज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाना है, महिला प्रजनन तंत्र पढ़ाना है। चलिए, साइंटिफिक नेम पूछा है कि भैया ये किसका साइंटिफिक नेम होता है। एसिनॉक्स जुबेटस, एसिनॉक्स जुबेटस किसका साइंटिफिक नेम होता है, भालू का, घोड़े का, हॉर्स का, चीते का या जेब्रा का, जल्दी से बताइए। ये वो ऑडिबल साउंड है जो हम सुन सकते हैं, इससे ऊपर के नहीं सुन सकते, इससे नीचे के नहीं सुन सकते, जो आपको बताई थी। जल्दी से बताइए। एक बच्चे ने बोला घोड़े का, बच्चों ये चीते का नाम होता है, जुबेकस। ऐसी नॉक्स जुबेकस जो है वो चीते का साइंटिफिक नाम होता है। किसका होता है? चीते का। अभी जो बाकी ऑप्शन थे उनका नाम क्या होता है, ठीक है, ये बच्चों किसका नाम होता है, ये चीते का नाम होता है, ठीक है। अब बियर का नाम जो होता है वो अर्सेडिया होता है, हॉर्स का नाम जो होता है एक्वस होता है, जेब्रा का नाम होता है कैबिलस होता है। क्लियर है बेटा? चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। टेक्टोना ग्रैंडिस लिनिन इज द साइंटिफिक नेम, टेक्टोना ग्रैंडिस लिन का वैज्ञानिक नाम होता है। किसका वैज्ञानिक नाम होता है? बच्चों आप सभी को एक चीज बता देती हूँ, वैज्ञानिक नाम जो है वो कभी ना कभी टपक जाता है। अब वो सारे वैज्ञानिक नाम आप लोगों को याद रखने हैं कि किसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है। जैसे बताइए, अमरूद का, टीक का, आमले का या चीकू का। बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो टीक है। बच्चों आप सभी को पता है टीक की लकड़ी, पता होगा ना, टीक की लकड़ी बहुत लंबा पेड़ होता है, टीक की लकड़ी के फर्नीचर बनते हैं। टीक, अपने मम्मी पापा से पूछना, टीक की लकड़ी की। एक बार मैं पढ़ा रही थी, टीबार पढ़ा रही थी, तो टीबार नहीं पता था, टीबार की भी लकड़ी होती है, तो टीक की लकड़ी का साइंटिफिक नेम होता है। चलिए, बहुत सारे बच्चों ने सी दिया है, लेकिन कुछ बच्चों ने बी दिया है, कुछ बच्चों ने स्किप कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, द मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन वेयर रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूव्स टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर इज कॉल्ड। तटीय और शुष्क क्षेत्र में मिट्टी के संरक्षण की विधि, ऐसे क्षेत्र जहां हवा की जांच के लिए पेड़ों को कतार में लगाया जाता है, मिट्टी के आवरण की रक्षा के लिए आंदोलन कहा जाता है। बच्चों कहने का मतलब है, जहां पे सूखा होता है, ठीक है, मिट्टी को बचाने के लिए वहां पे जगह जगह एक छोड़ के पेड़ लगाए जाते हैं, ये चेक करने के लिए कि हवा किधर की है, ताकि मिट्टी को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो इस मूवमेंट को, इस प्रक्रिया को कहते क्या है, मल्चिंग बोलते हैं या कटिंग बैरियर बोलते हैं या रॉक डैम बोलते हैं या शेल्टर बेल्ट्स बोलते हैं। कैसे याद होंगे? देखो, इसको याद रखने का कोई भी ट्रिक नहीं है, क्योंकि बड़े अजीब नाम है, तो याद करने का कोई ट्रिक बहुत ही मुश्किल है। बस इसको बार बार देखते रहो, बार बार रिवाइज करते रहो, पौधों के, ठीक है, जानवरों के और सब्जियों के, ये नाम याद रखो बस। बच्चों इसका राइट आंसर है शेल्टर बेल्ट्स, इसको बोलते हैं हम लोग शेल्टर बेल्ट्स बोलते हैं। जितना ज्यादा हो सके उतना वीडियो को शेयर करें। ये इस तरह से किनारे पे लगाए जाते हैं कोस्टल एरियाज में। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, बहुत ही मजेदार और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कहते हैं मैडम मजेदार क्यों है? बच्चों आप लोग आइसक्रीम खाते हो? बिल्कुल खाते हो। तो बच्चों आपकी आइसक्रीम कैसे जमती है? या आपने जेली खाई होगी कभी बचपन में, जो जेली होती है, जेली में कोई चीज होती है, आइसक्रीम होती है, ये सब किस चीज से बनती है? आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द जेलेडियम एंड ग्रेसिला एंड द यूज टू ग्रो द माइक्रोसेप माइक्रोब्स एंड इन प्रिपरेशन ऑफ द आइसक्रीम एंड जेलीज। ठीक है, आइसक्रीम और जेलीज को पैदा करने के लिए जेलेडियम और ग्रेसिला का इस्तेमाल किया जाता है, तो उस माइक्रोब का नाम बताएं। ठीक है, जेलेडियम का इस्तेमाल किया जाता है और ग्रेसिला का, फिर इसकी पूरी थ्योरी पढ़ाऊंगी आपको, ये है क्या। आशीष वशिष्ठ, गो टू द ईमेल आईडी ऑफ वाईफाई स्टडी। कहते मैम ये क्या है, मैम जेलेडियम और ग्रेसिला क्या है, मैं आपको बताती हूँ होता क्या है। बच्चों ध्यान से, बच्चों एक एल्गी होती है, क्या होती है, एक एल्गी होती है, और
एक शैवाल होती है, एक एल्गी होती है, एक शैवाल होती है जिसको हम लोग बोलते हैं जेलिडियम। बच्चों हर किसी चीज का शॉर्टकट नहीं होता, इसलिए आपको साइंटिफिक नाम याद ही रखने पड़ेंगे। ठीक है, ग्रे सिल्क, ठीक है, इनकी क्या बनती है, इनकी बनती है जेली और इनकी बनती है आइसक्रीम, आइसक्रीम। ठीक है, उस शैवाल का नाम है अगार अगार, उस शैवाल से बनने वाले जेल का नाम है अगार अगार जेल, अगार 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 जेल। ठीक है बच्चों, जेलेडियम और ग्रेसिला से जो जेली बनती है, जो जेल बनता है वो होता है अगार अगार जेल। अगार अगार जेल से हम लोग आइसक्रीम और जेलीज बनाते हैं। अश्विता, आई डोंट हैव द ईमेल आईडी, आई डोंट हैव द मेन ईमेल आईडी, सॉरी बट आई डोंट हैव। गो टू द ईमेल आईडी, गो टू द वेबसाइट ऑफ वाईफाई स्टडी। क्लियर है? चलिए, इस प्रकार का जेल बनाया जाता है। व्हाट आर मेड अप ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, व्हाट आर मेड अप ऑफ, स्केलेरिन, चिमेटस, सेल, दीज आर जनरली एब्सेंट इन द प्राइमरी फाइलम बट आर फाउंड इन द सेकेंडरी फाइलम। ठीक है, ये जो आपका सेक्रेलिन चिमेट्स कोशिका होती है, ये आमतौर पर प्राथमिक फाइलम में तो पाई नहीं जाती, लेकिन द्वितीयक फाइलम में पाई जाती है। अब ये फाइलम मतलब फिलोयम में पाई जाती है, फाइलम बोल रही हूँ, फाइलम तो कैटेगरी होती है, फिलोयम में पाई जाती है। अब फिलोयम का मतलब होता है फल, फिलोयम का मतलब होता है फल। बच्चों फल का मतलब ये होता है कि जो आपका पेड़ होता है, ये इसका तना हो गया, ठीक है, ये हिस्सा इसका जड़ हो गया और ये इसके पत्ते हुए, ठीक है, ये इसके पत्ते हुए। तो अब जो पत्ते जो है वो क्या बनाएंगे, खाना बनाएंगे। ठीक है, अब जो भी खाना है, जो भी फल है, वो जड़ों तक कौन लेके जाता है, वो जड़ों तक लेके जाता है फाइलम। ठीक है, फ्लोयम, फाइलम तो कैटेगरी होती है, बार बार फाइलम निकल रहा है मुझसे, फ्लोयम। ठीक है, फ्लोयम। ठीक है बच्चों, इसके आंसर दो नहीं हो सकते कभी भी, ना तो इसका आंसर जाइलम फाइबर हो सकता, ना ये हो सकता। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है फिलोयम फाइबर, फिलोयम फाइबर होता है। तो फिलोयम फाइबर क्या होता है, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इसका आंसर जाइलम क्यों नहीं होगा, इसका ये वाला आंसर क्यों नहीं होगा बच्चों, इसका ये वाला आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि जड़ों के अंदर जो पानी जाता है, तो जड़ों के अंदर, जड़ों से जो पानी ऊपर की तरफ जाता है, जड़ों से जो पानी ऊपर की तरफ जाता है वो जाइलम की वजह से जाता है, जल की वजह से जाता है। तो जाइलम की वजह से जड़ से ऊपर की तरफ पानी जाता है, फ्लोयम की वजह से जो खाना पत्ते तैयार करते हैं, जो पत्तों में, लीव्स में खाना तैयार होता है वो नीचे आता है। तो जब जाइलम का काम पानी देने का है तो खाने का तो कोई मतलब नहीं है, तो ना तो ये आंसर होगा ना ये आंसर होगा। अब या तो ये वाला फ्लोयम होगा या ये वाला फ्लोयम होगा। ये वाला जो फ्लोयम होता है, ये जब स्टार्टिंग में पैदा होता है और फिर एक अपना एक कंप्लीट रूप ले लेता है, तो फ्लोयम फाइबर ही खाना लेके जाता है ऊपर से लेके नीचे। इसका आंसर ये है। हाँ, बारिश का पानी सबसे शुद्ध पानी होता है। तेरे? Yes. बच्चों आपकी क्लास यहीं पे खत्म होती है, यहीं पे थी एंड होती है। आप लोग उससे जुड़ सकते हैं, आज हमने 20 क्वेश्चन किए, 20 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन हमने कल की क्लास में कर लिए थे। आपको ये पीडीएफ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो 9 बजे यहाँ पे और 2 बजे यहाँ पे अनअकैडमी, मिलते हैं आपसे जल्दी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।